मैंने नोटिस कर रहा हूँ मेरा टीका थोड़ा सा क्रॉस में जा रहा है, और जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि पंडित जी ने ये चीज़ कहा कि वहाँ पे सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते हैं। तो गाइज अभी पता चला भैया द्वारा कि नाग पंचमी पे यहाँ कजरी गा रहे हैं सब। बहुत ही मुश्किल से भाभी को मनाया गया, और देखिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मैं अभी हो रहा हूँ बहुत ज्यादा लेट। आज चाचा चाची के घर पे रुद्राभिषेक है, तो आज सब जन मतलब मम्मी पापा तो चले भी गए हैं वहाँ पे ऑलरेडी मॉर्निंग में ही, और अभी मैं और अरविंद स्कूटी से चल रहे गाइस। एंड बारिश भी हल्की हल्की से हो रही है, एंड हम लोग ऑलमोस्ट डोंबिवली में ही है गाइस। जस्ट हमारे पीछे आप देख सकते हो रोदा पलावा, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एंड बस फटाफट पहुँचने वाले। कंटिन्यू कॉल भी आ रहा है, तो बाकी का ब्लॉग गाइस हम घर पे ही कंटिन्यू करेंगे। बट आज का ब्लॉग देखना गाइस, बहुत मजा आएगा। महादेव का रुद्राभिषेक है घर पे, बहुत मस्त सा फीलिंग आ रहा है। ऊपर से नाग पंचमी है ना गाइस, तो एक अलग ही वाली खुशी आ रही है। नुनवल गार्डन क्रॉस कर रहे हैं हम, राइट साइड में लोधा भी है। कितना अच्छा है गाइस ये प्रोजेक्ट, देख ही सकते हो आप लोग। और ये रहा आई लव डोंबिवली। गाइस फाइनली बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, पर कहां गाइस, हम लोग जब स्कूटी चढ़ा रहे थे ना तो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, बट इतना वजन हो गया था तो पानी के वजह से, मतलब बारिश हुआ है यहाँ पे बहुत गीला है, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी टर्न हो गया। तो अब मस्त में ऊपर चलते हैं, सब लोग आ गए हैं, मैं ही हो गया हूँ लेट। एंड हाथ में मैंने चार्जिंग लाइट लिया हुआ है और तगाड़ी है, तो उसको लेके चलते हैं। लिफ्ट से अभी बाहर निकल आ गए हैं, चप्पल उप्पल उतार लेते हैं तब चलते हैं अंदर। फाइनली घर में आ गया हूँ, बड़े पापा पापा और ये अंकल बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तो पूजा भी स्टार्ट हो गया। जैसा कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, चाचा चाची बैठे हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए कितना मस्त में पूरा भव्य सा सजाया गया है। तो अभी तो कथा चालू है सत्यनारायण जी की, उसके बाद होगा रुद्राभिषेक। तो आज का व्लॉग देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत मस्त लगने वाला है गाइस आपको। अब चलते हैं थोड़ा किचन की तरफ, देखते हैं। तो ये देखो किचन में तो कोई है ही नहीं, तो मैंने तो आते ही पहले ले लिया है चाय गाइस। चलते थोड़ा अंदर, और अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़का हुआ है, तो घबराना मत। ये है मौसी जी हमारी, चाची की सिस्टर, और ये है भैया और बड़ी मम्मी, और साथ में मम्मी सुहानी, सुहानी के साथ वो कौन है श्रेया, और सामने ही भाभी। तो सब लोग जानबूझ के तैयार हुए हैं ब्लॉग में आने के लिए। और ये चाची, मैं छोटी वाली चाची, तन्नु मन्नू कहाँ गई, ये देखो। हाँ देखिए बाहर प्रवीण भाई अपने हो रहे हैं रेडी, और भी वहाँ ढेर सारे लोग हैं। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए, सब लोग दिख जाएंगे शाम तक आप लोगों को। विशाल देखिए कितना सीरियस हुआ है, अभी तो कथा चले गए, उसके बाद रुद्राभिषेक होगा। आ चुका है हमारा हीरो भी। चश्मा क्या है तुम्हारा, थोड़ा पहन लो पहन लो। अरे लोग देख रहे यार तुम क्या, थोड़ा कौन सा डायलॉग है, कोई डायलॉग वायलॉग मारो जरा, लोगों को इम्प्रेस करो। है कोई डायलॉग क्या यार, इसके पास कोई डायलॉग ही नहीं, यहाँ से ज्यादा अच्छा है रहा। तो यहाँ से फाइनली अभी जस्ट हम लोग सोसाइटी के नीचे आए हैं, एंड अरविंद जा रहा है यहाँ से बदलापुर के लिए, तो उसको दर्शन करना था, देखना था। अभी तो सत्यनारायण जी का कथा चले, इसके बाद रुद्राभिषेक होगा, तो उसको जाना है बदलापुर, और आपको तो पता ही है क्यों जाना है। वाह, मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, ले लिया। तो अरविंद को हम लोग नीचे छोड़ने आए, फिर हम दोनों भाई ऊपर चले जाएंगे, आराम से जाना। हाँ चलो गाइस अब हम चलते हैं। कथा समाप्त हुआ और रुद्राभिषेक की शुरुआत हो गई है, बट बैड लक ये कि अभी लाइट कट गया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो लाइट आ जाए फटाफट फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस फाइनली चाचा चाची की दूध डालने के बाद बड़े पापा डाल रहे हैं दूध। सो अभी बेडरूम में से बड़ी मम्मी आई, और बड़ी मम्मी बड़े पापा साथ में, सिर्फ लाइट कट गया गाइस, ये नहीं अच्छा हुआ। अभी भी बड़े पापा बड़ी मम्मी ने भी दूध डाला, और अब पापा बैठ गए, अब मम्मी आ रही है। लाइट नहीं है तो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ रहा है गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। मम्मी आ रही है स्पीड में, पापा आ गए, अरे मम्मी भी आ गई है गाइस। बड़े पापा बड़ी मम्मी का होने के बाद में अब पापा मम्मी मतलब सब भाई लोग नंबर से।
सो गाइस फाइनली पापा मम्मी का हो गया। अभी दोनों छोटी वाली चाची बैठी हैं, बड़ी मम्मी अभी रक्षा बांध रही थी। अभी दोनों छोटी वाली चाची हैं बिकॉज चाचा लोग आए नहीं है, तो इसीलिए दोनों चाची एक साथ ही कर रहे हैं। और ये गुड़ का शरबत मम्मी लेके आई थी, बट अभी छानना है। लोग भी उठ गए हैं, अब बारी आती है बड़े भैया और भाभी की। तो भैया भाभी आ गए गाइस, साल कंटिन्यू दूध डाल रहे हैं। यहाँ देखो अपना श्रेयस भी पापा मम्मी के साथ ज्वाइन हो गया, वो भी तो नाम बता रहा है अभी गुरुजी को अपना। तो गाइस विक्की भैया और श्रेयस बैठ गए हैं दोनों जन। हमारे उठने के बाद चाचा चाची समापन कर रहे हैं। एंड यहाँ देखें ऑलमोस्ट 1:05 हो गया है, लेकिन लाइट कटने की वजह से अभी तक मैंने ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाया हूँ। सो गाइज ये देखिए, ये जो पापड़ रखा हुआ है, पालक रखा हुआ है और हवन की लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो ये वाला जो पूजा ये गृह शांति के लिए हो रहा है। और इसमें प्रवीण भाई बैठे हैं और यहाँ पे देखिए विशाल और प्रिंस भैया जो कि हवन की सामग्री को मिक्स कर रहे हैं। और यहाँ सारे के सारे पापड़ पे टीका लगाना है जैसा कि गुरुजी ने कहा है, तो प्रवीण भाई सारे पापड़ को एक एक करके टीका लगा रहे हैं। और गाइस जैसा कि सारे पापड़ के ऊपर कर्पूर रख दिया गया था, तो प्रवीण भाई ने अभी उसको जलाया और यहाँ पे गुरुजी पाठ कह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए गुरुजी ने कहा था चाचा चाची को हवन कुंड के ऊपर टीका लगाने के लिए, तो चाचा चाची टीका लगा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हवन कुंड जलाया गया एंड चाचा चाची और यहाँ पापा बैठ रहे हैं। पंडित जी का कहना है कि 5 चाहिए, सब ऊपर से कर्पूर डाला गया बिकॉज नारायण जी का नाम लिया है तो अब नहीं बुझेगा। गाइस जैसा कि यहाँ पे 5 लोग बैठ गए हैं, पापा प्रवीण भाई प्रिंस भाई चाचा और चाची बैठ गए। और यहाँ पे देखिए आग को थोड़ा सा तेज करना है, तो जिसके वजह से जैसी तेज हो जाएगा फिर हवन कंटिन्यू होगा। इतनी मस्त वाली वाइब आ रही है ना गाइस, एकदम मन शांत सा फील हो रहा है। गाइस आज घर पे 1-2 नहीं पूरे 3-3 पूजा है, तो ज़रूर पूरा व्लॉग देखना आप लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी गाइस सच बता रहा हूँ। एंड मम्मी भी आ गई पॉजिटिव वाइब पे। मैंने नोटिस कर रहा हूँ मेरा टीका थोड़ा सा क्रॉस में जा रहा है, और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि पंडित जी ने ये चीज़ कहा कि वहाँ पे सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते हैं, पापा प्रवीण भाई और प्रिंस भैया बड़े वाले भाई जो हैं वो बैठे हैं, चाचा और चाची। तो मैं तो एकदम ये साइड पे इसलिए बैठा हूँ, बालकनी के साइड में, बिकॉज़ यहाँ से सब ना बहुत प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब सबका फेस दिख रहा है। वरना मोस्टली अभी तक तो आप लोगों ने देखा है कि मोस्टली सब कुछ मतलब बैक कैमरे से दिख रहा है। और हवन की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि क्या बताऊँ, तो थोड़ा तो धुएँ से आँख बंद हो ही जाता है, बट इतना मस्त वाला वाइब आ रहा है ना गाइस सच बता रहा हूँ, बहुत मस्त वाला, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना क्या ही बताऊँ अभी। और वहाँ देखिए विशाल भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, घर देखिए और अंदर गीत भी कर रहे हैं सब। स्वाहा 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 स्वाहा।
देवता भ्यो नमः स्वाहा स्वाहा दीप देवता भ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा। अभी उठाइए और पूरा डालिए सर्वे आहि देवता भ्यो नमः स्वाहा मूलयगे नारायण भगवान की जय। लिया भारती होने के जा रहा है सदा शिव ओंकार नन पंचानन राजे रमादे सब जयति शोभे बड़ी मम्मी गए हैं जब पापा और मम्मी गए हैं अब गए जब दोनों छोटी वाली चाची आ गई हैं। ओम जया एक गोचर सबके प्राण बदी हनुमान सदा भगत रक्षा करो सीतापति श्री राम जय हो माता पार्वती जय श्री देव गणेश सतदेव रखनाला सब कुछ देना आपने भेंट करो क्या नाथ। आरती दिखाओ चनमृत प्रसाद बट रहा है चनमृत ले लिया पीते मस्त हो। यहाँ पे देखिए प्रसाद लग रहा है भाभी मम्मी मिलके और चाची तो अभी अभी जस्ट उठी हाँ हाँ जरूर निकल रहे पूजा पाठ हो गया हम लोग भी आशीर्वाद ले लेते हैं। ये देखिए गुरु जी के जाने के बाद में ये सब लोग मिलके क्या देख रहे हैं व्लॉग देख रहे हैं अमर की दुनिया। यस है तन्नू है और सुहानी और ये देखिए मैं जूम करके दिखाऊँ आप लोगों को ये देखिए ये व्लॉग देख रही है सुहानी ने स्टार्ट किया अब सब देख रहे हैं। श्रेयस तो रेगुलर देखते हो ना श्रेयस रोज देखते हो ना ये देखिए क्या हो रहा है बड़की मम्मी। तो गाइस अभी अभी पता चला भैया द्वारा कि नाग पंचमी पे यहाँ कजरी गा रहे हैं सब चाची मम्मी मौसी बड़ी मम्मी और यहाँ भाभी भी। तो भाभी गा नहीं रही है झगड़ा कर रही है ये चाची आई है देखते गाती कि नहीं चाची शुरू। तो देखा गाइस ब्लॉग बनाने का बेनिफिट लाइफ टाइम मेमोरीज रहेगी हमारी। चाची ज्वाइन कर ले कहाँ तो गाइस ये कजरी है नागपंचमी का तो अगर जो लोग नॉर्थ साइड से हैं वो लोग तो समझ जाएंगे बट जो नॉर्थ साइड से नहीं है वो लोग सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को यूट्यूब गूगल पे पता चल जाएगा कजरी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है गाइस। सब देखिए कैसे छुप छुप के आ रहे हैं बहुत ही मुश्किल से भाभी को मनाया गया और देखिए गाइस भाभी गा रही है और उनके पीछे सब रिपीट कर रहे हैं। फाइनली पूजा उजा समाप्त हुआ जैसा कि आप लोगों ने देखा ही कि आज तीन तीन पूजा था पहला शांति के लिए और उसके बाद में सत्यनारायण जी का नहीं पहले सत्यनारायण जी का कथा हुआ फिर शांति के लिए पूजा था और फिर रुद्राभिषेक हुआ हवन हुआ तो इतनी पॉजिटिव वाली वाइब आ रही ना कि क्या ही बताएं। एंड उसके बाद गुरु जी गए तो देखा ही आप लोगों ने। उसके बाद मैं कल वाला व्लॉग जो कि डाला है मैंने वो मुझे अपलोड करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था
तो जिसके वजह से मतलब न्यू होम टूर वाला जो ब्लॉग डाला है ना मैंने, जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था अपलोड करने में, इसके वजह से मैंने बीच में थोड़ा गैप लिया, कुछ भी रिकॉर्ड किया नहीं। और हो गया है अभी पूरी तरह से इवनिंग, जैसा कि विंडो में आप लोग देख पाते होंगे। तो अभी सब लोग वहाँ पे पीछे, मैं दिखाता हूँ किचन में, सब लोग मिलजुल के एकदम भोजन पानी बना रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं, मतलब मैं दिखाता हूँ क्या कर क्या रहे हैं सब। यहाँ पे देखिए चाची लोग मिल के आटा सान रहे हैं और मम्मी बैठ गई है आराम से पूड़ी छानने के लिए, और छोटी वाली चाची वहाँ मेहनत कर रही है। और वो कौन है, पतली से अच्छा भाभी हो तो। और यहाँ पे मौसी, देखिए मौसी सोच रही है कोई तो मुझे भी ले लो अंदर। तो मस्त में गाइस, जब बन जाएगा फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे एंड दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे तो आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि बहुत कुछ बनने वाला है, तो जब बन जाएगा फिर आगे का ब्लॉग करेंगे हम कंटिन्यू। चलिए देखिए प्रवीण भाई, पापा, बड़े पापा, चाचा और भैया और मन्नू, ये लोग खाने बैठ गए बिकॉज जगह ही नहीं था ना, जगह कम है। तो ये लोग जब उठेंगे खा के, उसके बाद मैं, विशाल और जो जो पेंडिंग लोग हैं हम लोग खाएंगे, और जब हम खाएंगे तब शेयर करेंगे कि क्या क्या है। हालांकि दिख गया होगा बट क्लियरली तभी शेयर करेंगे जब हम बैठेंगे खाने। पहले मैं भी खाने बैठ गया हूँ, पनीर की सब्जी, सूखा साग और पूड़ी। खाने लिए भैया और पापा बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। ने खा भी लिया और मैं बेड पे चढ़ के कर रहा हूँ रिकॉर्ड। अच्छा मौसी बाकी है गाइस, मौसी चाची बाकी है, बाकी सबने खा लिया। ये बाय बाय, ये देखिए मौसी अभी यहाँ पे, फिर भी मौसी बाय कर रही है। सब सब जा रहे हैं, मेरा भी बाय आप लोगों को गाइस। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा बाकी सब लोग चले गए हैं एंड ये व्लॉग शायद से बहुत बड़ा बन गया है, तो मुझे कंफर्म भी नहीं है गाइस कि मैं दो पार्ट में डालूंगा या एक ही पार्ट में, बट इतना तो मैं कंफर्म हूँ कि व्लॉग आज का बहुत ज़्यादा बन गया है बड़ा। बट हाँ काफ़ी अच्छी वाली वाई भाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही बड़ा तो बना, बट तीन तीन चीज़ें मतलब तीन पूजा एक साथ में हुआ ना, तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लगा बिकॉज इतने दिन के बाद पूरी फैमिली साथ में आई थी, तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी हुआ, मतलब बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। और अब फाइनली थोड़ा थोड़ा थकान फील हो रहा है, नींद भी बहुत आ रहा है गाइस। तो अब चल रहे हैं घर पे, और मैं, मम्मी, पापा और विशाल भी चल रहा है साथ में घर पे, बिकॉज वो वहाँ से मॉर्निंग में कॉलेज निकल जाएगा। सो गाइस फाइनली आज के लिए इतना ही। तो होप सो गाइस कि आप लोगों को आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया हो। तो गाइस मैं करता हूँ अपने व्लॉग का यहीं पे एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह का अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। Life, stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on.